आज हम अपने जैक को डालने वाले हैं सिक्के, इसकी मनपसंद चीज। जैक यार रुक जाओ आराम से, क्या हो गया तुम्हें? यार जैक को पता नहीं क्या हो जाता है, मैं इसको कुछ कहता भी नहीं, फिर भी ये मुझे देख के डरता रहता है। जैक आज तुम्हें हमारी मनपसंद चीज डालता हूँ तुम्हें मैं, और साथ इसको दाना भी डाल दे ताकि इसका जो दिल करेगा वो खा ले, चाहे दाना खा ले चाहे ये सिक्का खा ले। तो अब मैं इसको दाना और ये सिक्का डालता हूँ। फाइनली जैक को दाना भी डाल दिया और सिक्का भी डाल दिया, अब ये खुश हो गई, ये सिक्का खाता है। तो चलो अब इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, ऊपर चलते हैं। तो अब ये सिक्के लेके चलते हैं ऊपर उनको डालने के लिए। चलो भाई उठ जाओ, तुम लोगों के खाने का टाइम हो चुका है। यार आज धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें वो मेरी मिनी फोर्स को देखें, हमारी मलका भी बैठी हुई है अंडा देने के लिए। चलो बिना किसी इंतज़ार के पहले मैं अपनी ये माया और छाया को पट्ठे डाल दूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं अपने सब बर्ड्स को ये सिक्के और ये इनका मनपसंद दाना डालता हूँ। ये देखें ये मेरे पास खड़े हैं, इस बादशाह की मलका अंडा देने के लिए बैठी हुई है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पहले इनको मैं दाना डाल दूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें मेरी मिनी फोर जो है ना, इनको भूख सबसे ज़्यादा लगी हुई है। तो चलो सबसे पहले इनको मैं दाना डाल दूँ, बाद में ये टिंकू मिंकू और बादशाह को डालता हूँ। फिर खा लो खा लो आराम से। अपनी मिनी फौज को तो मैंने उनकी मनपसंद फीड जो है ना वो मैंने डाल दी है, उसके अलावा मैंने ये माया और छाया को भी पट्ठे डाल दिए। तो ये अब आराम से खा रही हैं, भूखी थी सुबह से बोल रही थी। तो मैं सोचा चलो सबसे पहले इनको पट्ठे भी ला के डाल दूँ, वो दूसरे जो है अपने सब पेट्स को तो मैंने दाना डालना ही है। तो चलो इनको भी पट्ठे ला के डाल देता हूँ ये। तो फिर अब ये मुझे ये था कि यार शायद ये सिक्के के छिलके खा लेती हैं आराम से, लेकिन नहीं ये तो खा नहीं रही। चलो पट्ठे खा रही हैं, पट्ठे खा लिए आराम से, उसके बाद फिर मैं बाकी सबको दाना डालता हूँ। अब बारी आती है हम्प्टी डम्प्टी और इस अकेले मेल की, उसके बाद बेबो और राजू, उसके अलावा हीरो रांझे को दाना डालता हूँ और सिट्टे भी इनको डालता हूँ। सिट्टे मैंने इसको डालने और इसको डालने हैं, तीनों को सिट्टे डालूंगा क्योंकि इनकी ये मनपसंद चीज़ होती है ये सिट्टे ना, ये बड़े शौक से खाते हैं। ये लो आ जाओ खा लो आ जाओ। चलो और तुम लोगों के नहीं है ये यार, वो देखें टिंकू फिर इससे बादशाह से डरता रहता है। टिंकू ये लो तुम्हें लदे खाओ, ये लो बादशाह साइड पर हो जाओ, मैं तुम्हें मार जान से मार दूंगा। क्या ये बादशाह का चैन नहीं है? चलो टिंकू तुम इधर आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। तुम्हें क्या हो रहा है, क्या हुआ तुम्हें? आ जाओ आगे खाना खा लो तुम, आ जाओ। ड्रामे करती रहती है टिंकू, ये लो इधर आओ। तुम्हारी ख्याल नहीं है तुम्हें, मैंने जान से मार नहीं दिया अंडा। क्या हुआ है? किधर है अंडा? कहीं उसके पीछे तो नहीं फेंक दिया तुमने अंडा देके? हैं चलो अभी मैं देखता हूँ इसने कहीं अंडा उसके पीछे तो नहीं फेंक दिया। तो फाइनली सब पेट्स को मैंने दाना छाना और इनकी मनपसंद सिट्टा डाल दिया, हीरो रांझे को भी डाल दिया, हम्प्टी डम्प्टी को भी डाल दिया, बेबो और राजू को भी डाल दिया। ये दोनों भाई राजू को ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा पेड़ है, इनको भी मैंने ये सिट्टा और दाना डाल दिया इनको भी। और यार मलका ना ये जो है मलका इधर बैठी थी, इसने अंडा दे दिया और अंडा ना उसके पीछे गिर गया, ये इस लकड़ी के बॉक्स के पीछे गिर चुका है। अभी मुझे पहले इनको साइड पर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको साइड पर करके फिर मुझे उधर से अंडा निकालना पड़ेगा। और मे भी अंडा टूट चुका हो, कोई आइडिया नहीं है, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अंडा सही होगा। अभी चलो मैं पहले इसको पीछे करता हूँ, पहले इसको पीछे करता हूँ उसके बाद इसको पीछे करके तो फिर मैं अंडा देखने की कोशिश करता हूँ, अगर सही हुआ तो उठा लूँगा, नहीं तो फिर चलो टूट चुका होगा तो फिर अल्लाह की मर्जी। यार मलका का अंडा ना उसके पीछे गिर चुका है, वो मैंने देखा है दो अंडे उसमें उसके पीछे गिरे हुए हैं, एक तो टूट चुका है और दूसरा सही सलामत है। वो देखें वो अंडे दो पड़े हुए हैं, एक तो टूट चुका है या टूटा नहीं है बल्कि ये चूहे ने खाया हुआ है। तो अभी मुझे वो सही वाला जो अंडा वो निकालना पड़ेगा इस सरिये की मदद से। चलो अभी मैं वो अंडा निकालता हूँ।
तो फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अंडा मेरे हाथ आ चुका है। अंडा माशाल्लाह ठीक था, सही सलामत था, क्योंकि एक तो वो पहले गिरा हुआ था और वो मुझे नहीं पता कब गिरा, क्योंकि वो पीछे सुराख है, लाइन है, तो उधर से अंडा ना पीछे गिर जाता, हमें पता नहीं चलता। हमें यही होता है कि ये मलका ने ना अंडा नहीं दिया, तो ये अंडा माशाल्लाह डेली देती है और डेली यहाँ तो उधर पीछे कहीं गिर जाता है या ये मेरे हाथ आ जाता, नहीं तो छाया पीछे तो चलो, नहीं तो अगर मुझे ना पता तो आज भी अंडा मुझे नहीं था मिलना, और अंडा फिर उधर पीछे गिर जाना था, और उधर जाके वो चूहे इधर हैं छोटे छोटे ना, दो चूहे हैं वो खा लेते हैं, चूहे ना इधर प्लेट के अंदर भी आ जाते हैं, हीरो रांझे की प्लेट में, उधर से वो मैंने ट्रे निकाल के रखी है, ट्रे में से गुजर के तो इधर आ जाते हैं, ट्रे पे चढ़ के इधर आ जाते थे, तो मैंने इसलिए ट्रे भी इनकी निकाल दी है। हमारी मलका ना अंडा देती है लेकिन हमें नज़र नहीं आता, वो पीछे उधर गिर जाता, पीछे जाके ना वो उसके पीछे लकड़ी के पीछे दीवार के साथ जाके गिर जाता है और चूहे उन पर हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। आज तो मैंने देख लिया तो मुझे अंडा मिल चुका है, अगर मैं ना देखता तो मुझे ये अंडा नहीं था मिलना आज भी, उधर पीछे गिर जाना था। चलो शुक्र अल्लाह का मैं इधर ही था और मैं देख लिया, तो अभी इनको मैं पानी डालता हूँ, अपनी मिनी फौज को पानी डालता हूँ, ये बेबो और राजू को भी पानी डालता हूँ, इसके अलावा इन दोनों का तो पानी ठीक है, मैं पहले इनको पानी डाल दूँ। बादशाह तुम्हें मैंने ना कढ़ाई में डाल लिया, तुम्हारा अब यही इलाज है कि तुम्हें मैं कढ़ाई में डाल दूँ, तुम ना इस बेचारे को बहुत तंग करते हो टिंकू को, और तुम्हारा इलाज यही है कि तुम्हें मैं आज पकड़ के कढ़ाई में डाल दूँ, तो तुम्हें तुम्हारी आज खैर नहीं है, तुम्हें मैंने कढ़ाई में डाल देना, बहुत तंग करने लग पड़े हो तुम, अपनी मलका को तो कुछ कहते नहीं हो, इस बेचारे टिंकू के पीछे पड़े हो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की इन पेट्स के हवाले से एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई तो उसको लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, तो कल एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।